एआईएमआईएम के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील नागपुर दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से आयोजित पत्र परिषद में विविध विषयों पर संवाद साधा है। एआईएमआईएम की ओर से आज विदर्भ स्तरीय पक्ष प्रवेश कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे नागपुर और विदर्भ के सभी जिलों से तकरीबन 400 लोग पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। साथ ही महिलाओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया है, उसमें भी बड़ी संख्या में महिलाएं एआईएमआईएम में प्रवेश करी है। इसी प्रकार एआईएमआईएम के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब पार्टी के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी में चर्चा की जाएगी। विदर्भ में किन सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करना है, इस पर भी निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा विदर्भ और नागपुर शहर के लेवल पर विभिन्न खाली पदों की पूर्ति भी की जाएगी। ऐसी जानकारी देते हुए पत्रकारों द्वारा पूछे सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए जलील ने कहा कि एमआईएम पूरी ताकत के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही रामगिरी महाराज और नितेश राणे की टिप्पणी के बाद कार्यवाही की मांग की थी। साथ ही 5 दिन का अल्टीमेटम जलील की ओर से दिया गया था, इस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया साझा की है। बिल्कुल, मैंने ये बताया था और मेरे बताने का मकसद यही था कि देखिए, इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर कहीं ना कहीं कोई कायदा है, कोई कानून है। कोई भी कैसे भी खड़े रहेगा, कुछ भी किसी तरह का बयान दे देगा और कोई कार्रवाई नहीं होगी। और इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि जो इस राज्य के मुख्यमंत्री है, जो सभी के मुख्यमंत्री है, हमारे भी मुख्यमंत्री है, वो जब रामगिरी ने इस तरह का बयान दिया तो वो खुद उस दिन आए और उनको बाजू बिठाकर उनकी पीठ थपथपाए एक तरीके से, और उन्होंने अपने सरकार की तरफ से एक ऐलान जारी किया कि तू बोलते रहे, तुझे जो बोलने का है, जिस मज़हब के ख़िलाफ़, जिस धर्म के ख़िलाफ़ तुझे जो बोलना है बोल, हम किसी के ऊपर भी कोई तुम्हारा बाल को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता है करके। तो ये इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है, जबकि हमारी उम्मीद ये थी कि एक सरकार का प्रमुख, एक परिवार का प्रमुख की हैसियत से उनकी जिम्मेदारी थी कि उन्होंने इस बात की आलोचना करना और लोगों से ये कहना कि प्रवचन के अंदर इंसान को इंसान की तरह कैसे जीना चाहिए करके, मनुष्य मनुन कशा जगता येईल याचा बाबतीत त्यांनी बोलायला पाहिजे। एक दूसरे के धर्म का पोस्टमार्टम करने के लिए तो प्रवचन होते नहीं है मेरे हिसाब से। तो हमारी यह सोच पक्की बन चुकी है कि ये जो महाराज ने जो बोला है, ये सरकार के बोलने के ऊपर बोला गया है और सरकार ने अपनी मंशा आके क्लियर कर डाली। हमें बहुत ज़्यादा इसके अंदर तह तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सरकार ने बोल दिया है कि तुम बोलते रहो, हम तुम्हारा साथ देते रहेंगे। अब वो महाराज को सिक्योरिटी दे दी गई है, बल्कि मैंने तो ये मांग की है कि अब वो महाराज को Z+ सिक्योरिटी दो, क्योंकि सरकारें अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी हद तक भी गिर सकती है। हो सकता है कि कल महाराज की जान के ऊपर भी खतरा बनाए, महाराज की जान लेने के ऊपर तक भी वो आ सकते हैं और उसका इल्ज़ाम मुसलमानों के ऊपर है तो ठिकड़ा फोड़ सकते हैं। तो अब वो महाराज की जान बचाने की जिम्मेदारी भी सरकार की है, उसको Z+ दो, Z+ से ऊपर और कोई सिक्योरिटी होंगी तो दो, वरना अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता बचाने के चक्कर के अंदर ये सरकार किसी भी हद तक नीचे गिर सकती है। उन्होंने ये साबित कर दिया है। हमारी मीटिंग्स कॉल करेंगे और मीटिंग के अंदर हम एक डेट तय करेंगे। मुझे मालूम है कि हिंदू धर्म के अंदर गणपति का त्यौहार बहुत बड़ा होता है और हम आदर करते हैं आपके त्यौहार का, आपके धर्म का और आपके मज़हब का। मेरे में और रामगिरी के अंदर ये फ़र्क है, तो हम नहीं चाहते कि हम यकीनन हम डेट डिक्लेयर करेंगे और डेट डिक्लेयर करने के बाद हम पूरे महाराष्ट्र से, और मैंने जैसा कहा है, किसी ने कहा है, जिसने ये भी कहा है कि भाई हम मस्जिदों के अंदर चुन चुन के और घुस घुस के मारेंगे, उनके एक भाई ने कहा है कि कौन इम्तियाज जलील, तो तुझे बहुत जल्द पता चलेगा कि इम्तियाज जलील कौन है करके। जब मुंबई की तरफ हमारी गाड़ियों का काफिला और हम कूच करने के लिए जब निकलेंगे तो कौन इम्तियाज जलील है, उस दिन आपको जवाब मिल जाएगा। प्यारे खानला ही भेट लो, ते मायनॉरिटी कमीशन चे चेयरमैन आहे, म्हणजे मायनॉरिटीमध्ये फक्त मुस्लिम येत असं नाही आहे, जैन आहे, पारसीज आहे, शेख आहे, बुद्धिस्ट आहे, ते त्यांचे हित जपण्यासाठी ते पोस्ट क्रिएट करण्यात आली होती की मायनॉरिटीजचे जे काही इश्यूज आहे, स्वाभाविक आहे, भारतीय जनता पार्टीने त्यांना नियुक्ती दिलेली आहे, ते त्यांच्या वतीने आलेले आहे, तर बोलताना काहीतरी शब्दांचा आपण कितपर्यंत बोलायचं आहे हे यांच्यावर निर्भर असतात। पण मी त्यांना भेटून हेच प्रश्न विचारला की आता
मुस्लिम समाजावर इतका अत्याचार होत आहे, ओपनली असे धमक्या देण्यात येत आहे, ते राणेचा जे मुलगा आहे ते पोलिसांच्या पत्नींच्या बाबत ही कशा प्रकारचं भाष्य करतो, आणि दर सभेमध्ये जाऊन असं वाटतं की त्याच्या समोर काहीही मुद्दा राहिलेला नाही आहे, आणि जे स्वतःचं संरक्षण करू शकत नाही, स्वतः सहा सहा गाड्या बाउन्सर्स आणि पोलीसवाले घेऊन फिरतात, तो म्हणतो की मला हिंदूंचं रक्षण करायचं आहे. कुणासोबत? तू तुझ्या स्वतःचं रक्षण करू शकत नाही, तू हिंदू समाजाचं काय रक्षण करणार आहे, काय संरक्षण देणार आहे? तर मी त्यांनाही प्रश्न विचारला की या देशामध्ये काहीतरी कायदा आहे ना. मी प्यारे खान साहेबाला विचारलं की हे जे महाराजांनी म्हटलं, रामगिरीने म्हटलं, आता निरेश राणेने म्हटलेलं आहे, आणि असे अनेक हे जे प्रकरण महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला मागच्या काही दिवसामध्ये बघायला मिळत आहे, बांगलादेशमध्ये काय झालेलं आहे त्याची निंदा मीही केली, आपणही केलं असेल, सगळ्यांनी केलेली आहे, कोणीही त्याचं समर्थन करू शकत नाही. पण बांगलादेशमध्ये झालं तर आपण इथे हिंदू जन आक्रोश मोर्चा काढायचं, आणि त्या हिंदू जन आक्रोश मोर्चामध्ये फक्त मुसलमानांना शिव्या द्यायचं, म्हणजे त्यांनी केलं पाप, आणि आमच्यावर हे बोट दाखवून अशा प्रकारचे हे जे शिव्या देण्याचा कार्यक्रम सुरू आहे, आम्हीही निंदा केलेली आहे. मग तुम्ही आमच्या प्रॉफेट मोहम्मदच्या बाबतीत बोलतो, तर कोणीही त्याच्या बाबतीत बोलायला तयार नाही. आम्हीही जन आक्रोश मोर्चा काढू शकतो ना, तेच काढणार आम्ही. आमचाही जन आक्रोश मोर्चा खऱ्या अर्थाने एक मुद्दा घेऊन आम्ही मुंबईपर्यंत जाणार आहे, आणि मुंबईला जाऊन आम्ही काय करणार आहे. लोकशाही मार्गाने आम्हाला हा अधिकार दिलेला आहे की आपण लोकशाही मार्गाने ते काही गोष्टीचा विरोध करायचा असेल ते आम्ही करणार, आणि आम्ही मुख्यमंत्री दोघं उपमुख्यमंत्रींना जाऊन एक संविधानाची प्रत आम्ही भेट करणार आहे, आणि ते संविधान त्यांना देऊन आम्ही त्यांना सांगणार आहे की हे देश संविधानप्रमाणे चालणार आहे, गुंडाराज नाही होऊ शकत. महाराष्ट्रासारखा एक प्रगतिशील राज्य ज्याला आपण म्हणतो की ज्याची एक परंपरा आहे, फुले, शाहू, आंबेडकर, छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज यांचं नाव उल्लेख घेऊन आपण आपल्या भाषणाची सुरुवात करणारे हे लोक अशा प्रकारचे गुंडराज महाराष्ट्रामध्ये आणत असेल तर त्यांना एक संविधानाची प्रत आम्ही भेट देण्यासाठी मुंबईला जाणार आहे. आणि दुर्दैवाने महाराष्ट्राची जे पोलीस त्याची एक ख्याती होती, म्हणजे त्यांचं एक अभिमान होतं की देशात सगळी चांगली पोलीस कुठे आहे तर महाराष्ट्रामध्ये आहे, आणि मुंबई पोलीसचं तर जगभरात एक नाव होतं. आणि अशा प्रकारे घटना होत असेल आणि पोलीस कोणाच्यावर ही कारवाई करत नसेल तर मी काय केलेलं आहे की जेव्हा एक IPS ऑफिसर पास होतो तर त्याला एक शपथ देण्यात येते, त्या शपथ काय असतं ते मी काढलेलं आहे. आता त्याला फ्रेम करून मी IPS ऑफिसर्सला देणार आहे,